हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल और स्वागत करती हूँ आपका अपने नॉलेज गुरु काजल चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जो है ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटिस आया है, मीन्स आपकी जो है लीगल क्लर्क की जो है ना रिक्रूटमेंट निकली है। तो क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, कितनी सैलरी है, सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसको सिंपली देखिए, यहाँ से ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वैकेंसी फॉर ए लीगल क्लर्क, आप देख सकते हैं ये आया है अभी अभी, वैकेंसी फॉर लीगल क्लर्क एट AWES दिल्ली, अप्लाई थ्रू AWPO। तो इसको जो है मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ यहाँ पर क्या बताया है। तो ये PDF हमारा ओपन हो रहा है, देखिए हो गया है। तो इसमें सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो ऊपर ही लिख रहा है कि हेड क्वार्टर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। वैकेंसी फॉर क्लर्क, मैंने आपको बताया था ना क्लर्क लीगल की जो है ना वैकेंसी ये निकली है। तो यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर ये प्रोसीजर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो आपकी क्वांटिटी रिक्रूटमेंट होगी, पहले तो यहाँ पर बताई गई है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश, मीन्स आप जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, शुड हैव नो डिसिप्लिन केस इन एंटायर सर्विस, और आप जो है किसी भी अनुशासन का जो है यूज़ नहीं करेंगे, मतलब आप डिसिप्लिन का जो है पालन करेंगे, और आपके पास जो है कंप्यूटर कोर्स क्वालिफाइड होना चाहिए, आप IT से या फिर ICT से, ठीक है। इन्होंने ये दिया गया है, ये तो हो गई, ठीक है ना गाइस, ये तो होगी इसका मैंडेटरी। अब बात क्या, अब यहाँ पर अगर इसके बात कर लें आपके टाइमिंग ऑफ वर्क की, तो इसमें जो है 900 से लेके 1730 घंटे वर्क करना पड़ेगा, वो भी हफ्ते में, ठीक है। वीकडेज दिया गया है, और इसमें जो है 1 घंटे का विद 1 आवर, मीन्स 1 घंटे का होगा आपका लंच। अगर इसमें बात करें सैलरी की, तो आपकी जो सैलरी होगी इसमें होगी गाइस 29,000 की, 29,000 की होगी इसमें आपकी सैलरी, ठीक। और यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पर बताया गया कि अगर आप इसका बायोडाटा दे लेना चाहते हैं, तो ये जो है इसकी जो है gmail ID है EWESHQ@gmail.com, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इसके बारे में और कुछ आपको बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आपको पता ही है कि ये क्लर्क लीगल की हो गई। एम्प्लॉय कंपनी का जो नेम है वो है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, और जो एम्प्लॉयर बिजनेस का नेम है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड आर्मी प्रोफेशनल कॉलेज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की, ठीक है, वो क्या मांग रहे हैं इसमें। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर मांगा गया है EX सर्विसमैन अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज एंड विद, ये जो 55 साल के हैं जो कि एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए बताया गया है कि आपका जो है एफिशिएंट ऑफ क्लर्क JCO या फिर NCO, ये वो ही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इसको दे रहने देते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है ऊपर, तो वही चीज़ यहाँ पर रिपीट की गई है। जो यहाँ पर बात जानने वाली है वो है आपकी जो है इसमें आपका अदर बेनिफिट, मींस जो है आपका जो लाभ होगा वो क्या होगा, ठीक है। ये इसमें बताया गया है कि 30 डेज एनुअल, 10 दिन मेड एंड 10+2 डेज CLS पर सर्विस, रूल्स एज EMDT फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो होगा ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 30 दिन के साथ आपका एनुअल 10 दिन का मिलेगा इसमें आपको बेनिफिट, ठीक। अब इसमें जो है इंटरव्यू के लिए भी बताया गया है कि एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी इनिमेटेड टेलीफोनली टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, नो TA या फिर DA विल बी गिवन फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। और इस फॉर्म को गाइस फिलअप करने की जो है लास्ट डेट जो है वो है आपकी 20 जनवरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लीज अरेंज द फॉरवर्ड नॉमिनल रोल नंबर एंड फोटोग्राफी ऑफ बायोडाटा ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू ऑफिस 20 जनवरी 2020। 20 जनवरी जो है वो इसकी है लास्ट डेट। तो अगर आप भी इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
आई होप बस इसमें ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।